हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग एरेज को पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक सा जो प्रोग्राम है उसका सेटअप कर लिया है। एंड नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं कि एरेज को कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है डेटा टाइप, जो कि हम लोग इंट लेने वाले हैं। एंड उसके बाद आता है कि आप एरे का नाम क्या रखने वाले हो। तो लेट सपोज हमने लिस्ट रख दिया एरे का नाम। एंड नाउ इसके अंदर आपको मेंशन करनी होती है साइज, आपको किस साइज़ का एरे चाहिए। तो हमें 5 साइज़ का एरे चाहिए। सो एरे के अंदर सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स स्टोर करते हैं हम लोग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये नंबर्स हैं। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन एरे। तो उसी तरीके से अगर आप लोग ए बी सी डी ई एफ जी इनको स्टोर कराना चाहते हो, तो वो एक कैरेक्टर टाइप का एरे हो गया। तो हमेशा जो हमारा एरे होगा उसके अंदर सिमिलर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वही स्टोर होंगे। सो इस तरीके से आप लोग एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पर कोलन जो है वो भी आपको यूज़ करना है। नाउ अब हमारा जो एरे है वो इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर हो चुका है। इसके बाद आपको अगर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग सी आउट लिखेंगे, देन आप लोग लिखेंगे लिस्ट ऑफ 0। तो जो अरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जो मतलब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एरे के अंदर 0th एलिमेंट होगा। तो लिस्ट ऑफ 0 के अंदर हमारा 1 आएगा, एंड लिस्ट ऑफ 1 के अंदर आपका 2 आएगा। सो इस तरीके से जो हमारी एरे की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और इसको अगर आप 1 करेंगे एंड इसको आप 2 करेंगे इसी तरीके से, इसको आप 3 करेंगे एंड इसको 4 करेंगे, अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो जो हमारे हमारे एलिमेंट्स जो हैं एरे के वो स्क्रीन पर फाइनली प्रिंट हो चुके हैं। इस तरीके से आप लोग एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो स्क्रीन पर। सो ये तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड कोड तरीका हो गया। तो आप इसको और एक आसान तरीके से भी प्रिंट करा सकते हो। तो हम लोग फोर लूप का यूज़ करने वाले हैं। सो लेट सपोज हम इन नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 14 कर देते हैं, इसको 25, इसको 37, इसको 48 एंड इसको 59, ताकि आपको जो इंडेक्सिंग है उसको समझने में कन्फ्यूज़न ना हो। तो नाउ अब हम लोग फोर लूप को यूज़ करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ अरे को स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। नाउ अब हम लोग फोर लूप को लिखेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 कोमा आई प्लस प्लस, सी आउट लिस्ट ऑफ आई। अब हम लोग दे देंगे एक स्पेस। नाउ अब हम इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा। सो जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो चुके हैं। तो जनरली हम लोग फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। सो इस तरीके से आप लोग एरे को समझ सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।